हेलो स्टूडेंट्स, आम प्रीवियस क्लास रे मलालेटी पढ़ुले आउ थे कहीदे मलालेटी जार सिंबलाइज तो मलालेटी माना मे बी डिफाइंड इज कही छुआ तुमको था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट पर केजी सॉल्वेंट आमर कहया कथा एक केजी सॉल्वेंट रे केते मोल रो सॉल्यूट अछि ताहाकु तो आमे ही मोलालिटी कहबा ता माने मु तो कहितिल ना छ मन पकाओ धर डबल टू केजी सॉल्वेंट सॉल्वेंट कंटेन्स एन मोल्स सॉल्यूट एन मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आम ये कह कि वन के जी के वन के जी सॉल्वेंट रे के नो डाउट आंसर के छुआ एन बाय डबल टू यूनिट कौन हो छुआ मोल पर के जी तले एन है नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट डबल टू है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी तले बाय डेफिनेशन तुम्हें छ मोलालिटी ये फॉर्मूला मन रखिपर एन बाय डबल टू बा एन को जब तुम्हें डबल वन बाय एम वन इंटू वन बाय डबल टू ये हूँ मोल पर केजी है डबल वन बाय एम वन इंटू वन बाय डबल टू डबल वन आसला किए डबल वन आसला हूँ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ये आसला एम वन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये तो ग्राम ग्राम रखिए कैंसिल आ डबल टू सब छुआ रख मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी जदि छ तुमको क्वेश्चन रे ग्राम रे देथियो केजी रे कन्वर्ट करदो 1000 डिवाइड करदो मन करो लेट डबल टू इज गिवन इन ग्राम ताले फॉर्मूला चेंज करदो ये भी डबल टू इज गिवन इन ग्राम जदि तुमको डबल टू ग्राम रे देथाय ताले तुम्हें कौन करबो छुआ मत तो केजी दरकार ना ताले मु मलाडी कौन करबी डबल वन बाय एम वन इंटू वन बाय डबल टू बाय वन थाउजेंड तेल ऑटोमेटिकली कौन हो तुम्हें निजे को डबल वन बाय एम वन इंटू वन थाउजेंड बाय डबल टू तेणु ये तुम उपस्थित बुद्धि डबल वन हो छुआ गिवन मास ग्राम रे देथिबो सॉल्यूटर सॉल्यूटर मला मास भी ग्राम रे देथिबो किंतु ये सॉल्वेंट मासटा केजी जदि देथिबो तो भल कथा जदि तुमको ग्राम रे देथिबो तुम्हें कौन कर केजी कन्वर्ट करदेव ना सीधा ये फर्मूला पुट करदेव ये भी आंसर पाइज तुम्हें तुम केजी कन्वर्ट करके जब पकेल ये भी आंसर पाइज ना जब ग्राम रे रख हजार हो मल्टीप्लाई करदेव ये तुम्हें आंसर पाइज है बर्तमान हूँ चलो ये था देख छुआ आ गए कथा छुआ मन रख आम बर्तमान पढ़ा रिलेसन बिटवीन मलालिटी रिलेशन बिटवीन मलालिटी एंड मलफ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट व्हेन व्हेन वाटर इज सॉल्वेंट इट इज सॉल्वेंट सर मन कर वाटर दी ताले तुम्हें हूँ केमती आम बाहर करवा देखो रिलेशन को हम रिलेशन के बाहर कर देख देख मलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट
आमे जदि ए दुईटा कंपोनेंट रो मोल फ्रैक्शन को डिवाइड करिया कोन पाइबा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट तुमे कोन जानिथिले छुआ n बाय n प्लस n याकू कोन जानिथिले छुआ कैपिटल n बाय n प्लस n मु तुमको प्रीवियस क्लास रे कहितिले स्मॉल n इंडिकेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैपिटल n इंडिकेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ होच सॉल्वेंट स्मॉल n और कैपिटल n जो हम मिसी गेम कोन कोचे जे नंबर ऑफ टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन तो एठे मु तुमको आउथरे मध्ये लिखि दउची केला के भूली जाइथिबो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम विचार करूचे n ये असला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ होची सॉल्वेंट ये n प्लस n को विचार करा होची टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्लियर एकदम देखिबा कौन एक्चुअली कहानी हिची देखो तले बर्तन दउ छुआ देखो ये कैंसिल हे गेले तले स्मॉल n बाय कोन रहला कैपिटल n स्मॉल n को तुम लिख परियो w1 बाय m1 डिवाइड बाय आपको लिख परियो w2 बाय m2 एटा को गुटीए भग्नांश से परिणत करले w1 बाय m1 * m2 बाय w2 तो w1 कोन थिला छुआ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डबल टू होची गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट एम1 होची मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एम2 होची मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एते कथा ताले डबल एन देखो या से ला गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अच्छा डबल टू देखो ये गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट एम1 देखो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एम2 देखो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ये टर्मिनेशन तुम्हें आगर मध्य जानी छ ठीक अछि गोटे काम करा जाउ छवा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आकु 1 माइनस कर दियो कहीं तुम्हें प्रीवियस क्लास रे जानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मिसले वैल्यू के वन ताले याकु तुम्हें वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कर दियो इक्वल टू छुआ गोटे काम कर ये एम टू टाकू जो सपोर्ट अच्छे एपटू नहीं आस एम टू इन टू एटी कर दियो वन थाउजेंड तेल एपट रही गला डबल वन देखुचो ना एम वन को रही एम वन एम टू पलैसी छुआ एम टू पलैसी तो एटा आसा वन थाउजेंड बै डबल टू मुँ कौन कर देख छुआ एम टू को नहीं आसली हे देख अच्छा ये तेने रहा हूँ तुम रईट हैंड सैड डबल वन एम वन ये वन थाउजेंड ये वन थाउजेंड डबल टू तो थी जहाद्वारा कौन ये जो एत कौन इंडिकेट कला फर्मूला ऑफ मोलालिटी ये मोलालिटी तो बर्तमान देखा तुम सॉल्वेंट किए अच्छी वाटर तेल वाटर एम टू वैल्यू के एटीन तेल मुझे कौन करी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू वन थाउजेंड बाय एटीन इक्वल टू ए तेल दिस इम्प्लाइज दैट तेल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट माइनस वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू छाला फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव फाइव तो इक्वल टू मोलालिटी तले दिस इम्प्लाइज दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट माइनस वन सॉरी वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू कौन जानीगल एम बाय फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव फाइव तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आम एति की पाई गले वर्तमान मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तले बर्तन कौन करवा देख छुआ देख
बर्तन एथि पाइछ आगे उल्टे दियो वन माइनस मल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू ये कौन हम ये भी उल्टी जीव तेन के 55। बर्तन गोटे काम कर छ देख लेफ्ट हैंड साइड के स्टाइल अच्छी ए माइनस बी बाय सी माने ए बाय सी माइनस बी बाय सी ए फॉर्मेट अच्छी तले एटा आ संग डिवाइड करो वन माइनस सेतिक हिज एटा वन हिज 55.55 बाय एम। अच्छा ठीक अच्छे तले वन बाय मल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वन प्लस 55.55 बाय एम इक्वल टू केत आसव एम प्लस 55.5 तले दिस इंप्लाय दैट मल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय वन लिखा किसी आवश्यक नहीं बाय वन कहना वन टाइम कल से आसो तले एटा उल्टी दियो एम बाय कौन हम तुम यहाँ मन रख रिलेशन बिटवीन मल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोलालिटी इफ वाटर इज कंसीडर्ड एज ए सॉल्वेंट देन यू विल गेट द रिलेशन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलालिटी डिवाइडेड बाय मोलालिटी प्लस 55.55 बस तुम ये मन रख केमी रिलेसन टा बाहर मुझे तुम देखी आम पाखे ये रिलेसन हूँ आसीगला जे मल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स विथ डेस मोलालिटी डिवाइडेड बाय मोलालिटी प्लस 55.55 ये फर्मूला पकेब अति आराम से तुम्हें हूँ आंसर पाइव पाने गोटे कथा मन रख तुमको जब यूनिमोलाल कहगला एट जाणी था बा वन मोलाल तमें मोलालिटी वैल्यू एक मुझे तुमको कहल सेमी मोलाल ताले तुम्हें बुझ मोलालिटी वैल्यू हूँ हाफ बा 0.5 मुझे कहमी छुआ डेसी मोलाल ताले मोलालिटी इज इक्वल टू 1/10 माने 0.1 मुझे कहली सेंटी मोलाल ताले तुम्हें बुझ 1/100 0.01 मुझे कहि मिली मोलाल तुम एम इज इक्वल टू बुझ 1/1000 0.001 सॉरी 0.001 ताले ये आसला तुम रोच कौन ये आसला सेंटीमोलाल डेसीमोलाल एटा वार्ड दे या तुम भैल्यू एम बुझ। अच्छा हम गोटे क्वेश्चन करवा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन वन मोलाल एक्वियस सॉल्यूशन खाली एक्वियस सॉल्यूशन लिख दिया एक्वियस सॉल्यूशन ठीक अच्छे एक्वियस सॉल्यूशन मान तो पानी दिए एक्वियस मान ला छ पानी ताले सॉल्वेंट वाटर अच्छी ताले हियर ताले आंसर कर छुआ हियर मोलालिटी इज इक्वल टू 1। अच्छा वाटर एट वाटर बिहेव एज ताले मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट थिला एम बाई एम प्लस 55.55 तो 1/1 प्लस तो 1/56.55 तो इक्वल टू एटा बाहर कर छुआ देखिदेव 0.07 पाखापाखि आस आंसर ताले मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट यू विल गेट द आंसर 0.017 है तो क्वेश्चन हमको याद देखा कि हूँ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वन मोलाल एक्वियस सॉल्यूशन ताले आमको वन मोलाल माने मोलालिटी वैल्यू 1 देछि एक्वियस सॉल्यूशन माने वाटर होछि बिहेव एज सॉल्वेंट
तो आम पाखे ये रिलेशन अच्छी कि मल फ्राक्शन अफ सल्यूट इज इक्वल टू मोलारिटी प्लस 55.5 तो 1/1 + 55.55 तो 1/56.55 से ये वैल्यू इज के 0.017 यू विल गेट द आंसर 0.017 ये हूँ तुम पाखे आंसर। तो आम जाणीगले मोलारिटी मल फ्राक्शन सल्यूट्र भितर रिलेशन कौन तो आम देखा आउ गोटे नेक्स्ट कनसेंट्रेसन मोलारिटी आम क्या कह रेटी आर आई टू आई सिंबल कैपिटल एम मोलारिटी मोलारिटी कौन सी मे बी डिफाइंड एस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 liter volume of a solution गोटे लिटर volume of a solution रे केते मोल्स रो सॉल्यूट मजबूत अछि ताहा को हम कोन कहु मोलारिटी ताले तो केमते आस देख भि लिटर सल्यूशन कंटेन्स एन मोल्स सल्यूट एन मोल्स सल्यूट तो भि लिटर सल्यूशन कंटेन्स एन मोल्स ऑफ सल्यूट तो 1 liter बोले कितना आस तो एन बाई भि एति आस बाय डेफिनेशन तेल मोलारिटी कौट के आस एन बाई भि मोल पर लिटर छ गोटे कथा मन रख 1 liter हो देख 1 liter कह जहाँ 10^-3 मीटर क्यूब कह सी है 1 liter कह जहाँ 1 decimeter क्यूब कह सी 1 liter इज इक्वल टू 10^-3 मीटर क्यूब 1 liter इक्वल टू अल्सो यू कैन राइट 1000 ml बा 1000 centimeter क्यूब कहीं गोटे सेंटीमीटर क्यूब कह जहाँ 1 ml कह सी ये सब जानी था यूनिट कन्वर्जन एवं चाह भल्यूम एसआई यूनिटा हूँ तुम मीटर क्यूब लिटर नुह लिटरटा है एप्लिकेबल यूनिट तेणु आम साधारण लिटर एक्सप्रेस करुच्छे एट एप्लिकेबल यूनिट बट एसआई यूनिट हूँ तुम मीटर क्यूब 1 liter इक्वल टू 10^-3 मीटर क्यूब तो मोलारिटी इक्वल टू एन बाय भी मोल पर लिटर एन है नंबर मोल्स भी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लिटर माइंड रही कथा रखा दरकार एन तो नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी है कौन ना हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लिटर मुझे चेंज कर दे पार एन को कौन ना गिवन मास बाय मोलर मास डब्लन बाय एम वन इंटू 1/भी आपको आम एमती भी प्रकाश कर लिटर तो डब्लन तुमको सब कौन कही डब्लन है गिभेन मास ऑफ सॉल्यूट जहाँ दी तुमको क्वेश्चन रे इन ग्राम रे नो डाउट एम वन टा तुम छुआ किए मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम रे तुमको दे तेना जानीगल अच्छा छुआ ये तो गोटे आसगला फर्मुला नंबर 1 आपको मोलारिटी इज इक्वल टू फर्मुला नंबर 2 3 लगे एमती छुआ लिखिपर तुम्हें मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर मोल्स को चेंज कर दियो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर कहीं मोल कौन से पढ़च एमती भी तुम्हें एक्सप्रेस कर पार ये हूँ तुम है कि तेणु तुम्हें मोलारिटी को कैलकुलेट कर पार विभिन्न स्टाइल रे नंबर सीधा जब मोल दे नंबर मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ लिटर इन सॉल्यूशन जदि तुम्हें नंबर मोल्स को चेंज कर पार डब्लन है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट एम वन आसला मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1/भी ये भी यूज कर पार इमिति कर पार नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवर्स नंबर इनटू 1/भी ये भी कर पार अच्छा ठीक अच्छे मन करा जाओ तुमको जदि अच्छा जदि तुमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
लिटर न देखिए मिलीलिटर दे थो नो डाउट तुम 1000 डिवाइड करके लिटर कन्वर्ट करदेव मुझे मन कर कौचु हालांकि लेट भी इज वॉल्यूम हालांकि ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन इन मन कर एम एल दे किंतु मत लिटर दरकार ना देन फॉर्मूला कौन है देन मोलारिटी इज इक्वल टू एन बाय भी बाय 1000 करदेव तमें कौन है एन इंटु 1000 बाय भी होगा तुमको जदि वॉल्यूमटा मिली लिटर दे तो तुम काम है लिटर कन्वर्ट करदे तो लिटर कन्वर्ट कर जस्ट डिवाइड द 1000 सो यू विल गेट द आंसर तो आम देखा सिंपल हो ताले देखो किमती आस क्वेश्चन मन करा जाओ आमको गोटे क्वेश्चन देची 0.49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड धर जाओ ये इज प्रेजेंट इन ये प्रेजेंट इन आ से बाबर की धर दे 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रश्न कहले कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलारिटी ताहले तुम्हें मोलारिटी वैल्यू आकलन कर देख क्वेश्चन देख आगे कौन दी क्वेश्चन कौन कहला देख छुआ ताहले एटी गिवन मास के 0.49 ग्राम ये मोलर मास सॉल्यूट एम वन के सल्फ्यूरिक एसिड अच्छी ना छुआ सल्फ्यूरिक एसिड अच्छी एम वन फोर सल्फ्यूरिक एसिड के सरी तो कत आस हाइड्रोजन 2 × 1 प्लस के आसला छुआ 32 4 × 16 एति ग्राम सो यू विल गेट 98 ग्राम ताले वॉल्यूम के तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला भी यहाँ पकई पार ना वॉल्यूम तुम्हें तुम इच्छा तुम्हें वॉल्यूम जब कह ना सर मोर कन्वर्ट करदे कौन लिटर में ठीक अच्छे तो 100 अच्छे बाय 1000 कर तो 0.1 लिटर एटा तुम इच्छा तेल मलाटी कौन सूत्र कौन हो W1/m1 × 1/V क्या वॉल्यूम तुम लिटर कन्वर्ट कर दे तो W1 कौट के छुआ 0.49 ताको इमते कर दियो कैलकुलेशन तुम इजी हम डिवाइड बाय मला मास केते पाइछ छुआ 98 1 बाय छुआ केते पाइछ छुआ 0.1 अच्छा बट 10^-1 ऊपर उठला 10 हो जइबो तले 49 × 10^-2 एटा ऊपर उठला 10 हो गला बाय 98 तले एटा 2 कटला हला 2 तो 10 काटि देबो नो डाउट केते आसला 5 तेल तुम्हें कैसे पाइल 5 × 10^-2 इकोट छुआ के 0.05 एति की मोल पार ये तुम मलारिटी जड़े कह ना सर मु डायरेक्ट पकेबी W1/m1 सी तार 1000/V पकेब हम तो ये 49 × 10^-1 ये 98 ये 1000/ वॉल्यूम एम एल था 100 पकई दि से एका कथार छुआ से एका आंसर तुम पाइब से 5 × 10^-2 मोल पर लिटर तेणु तुम्हें जो बाटे पकेले हम तुम्हें वॉल्यूम को जब लिटर छुआ कन्वर्ट कर दे कि यूज कल बीप आंसर पाइब ना जब तुम हूँ एम एल वैल्यूटा को तुम डायरेक्ट यूज करने चाहो तो फर्मुला 1000 रख एति कथा बुझे है धरा जाओ गोटे क्वेश्चन तुमको दे मन कर जाओ तुमको ये गोटे क्वेश्चन सपोज दे मन कर जाओ दे तुमको सपोज 0.6023 10^20 यूरिया मॉलिक्यूल्स
यूरिया मॉलिक्यूल्स ये गोटे क्वेश्चन है आर प्रेजेंट इन मन करा जो तुमको दे 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हला 0.6023 × 10⁻²⁶ यूरिया मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलारिटी ताले मोलारिटी रो वैल्यू आकलन करो कौन करिबो ना देखो मु कौन कोई ची एटी सूत्र कौन पड़िबो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ होउछि मॉलिक्यूल्स गोटे सूत्र देती नंबर ऑफ होउछि पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर इनटू 1 बाय वी तो एटी पार्टिकल जारी लिख मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर अच्छा तुम इच्छा तुम ये 1000 बाय वी प्रयोग कर पार ना आपको लिटर करदे जदि ये 6000 न लिख तो आपको लिटर वैल्यू पुट कर जब एम एल वैल्यू को पुट कर 1000 रख अच्छा ठीक अच्छे नंबर ऑफ पार्टिकल्स अच्छे के 0.6023 × 10⁻²⁶ एवर्स नंबर के 6.023 × 10⁻²⁷ हजार बै भि हजार बै भि हो 100 यूनिट ऑफ मल पर लिटर ठीक अच्छे गोटे काम कर तुम्हें एट लिखिपर कि 6.023 × 10⁻²⁶ 6.023 × 10⁻²⁷ इंटू 10 तो सर एमती कहीं कले ये कैनसल करने जो 0.6023 थी मु दशमिक बिंदु को राइट हैंड साइड को नहीं गली एवं ये परफेक्ट कमी जब नो डाउट ताले मोर कौन अच्छा ये कैनसल हो गले अच्छा ये 10 × 20 ये 10 मैंने 1 अच्छे 10 × 21 ये 10 × 23 तो आंसर है 1 × 10⁻²⁻²। बाकी लिखिपर 0.01 मोल पर लीटर आंसर ये भी आंसर ही पार की मोल पर लीटर बस हला आउ गोटे कथा देख तुमको जदि तुमको देला जे मलर टी आउटे वेरे मध्य एक्सप्रेस करमी ना इफ मास मास परसेंटेज आउ गए जान था एक्सप्रेसन ऑफ मलारिटी एक्सप्रेसन ऑफ मलारिटी इफ मास मास परसेंटेज सॉल्यूशन इफ मास मास परसेंटेज इक्वल टू मन कर एक्स मास मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन मन कर धर जो एक्स हला कि अच्छा आउ कौन देछि डेंसिटी देछि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मनकर से डी ग्राम पर एम एल दुटा जिनस तुमको दिखाई आर्ग्युमेंट कौन कौन दिखाई बुझेगा आर्ग्युमेंट हला तुमको मास मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन वैल्यू दी एक्स और डेंसिटी तुमको दी डी ग्राम पर एम एल कौन से मोलारिटी कमी कैलकुलेट कर अच्छा देख छुआ मास मास परसेंटेज जहाँ आम फास्ट पढ़ी कौन कही छुआ मास मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन माने कौन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन मुझे एग्जांपल भी कहती कि मन कर मास मास परसेंटेज तुमको देखिए 5 तेल तुम्हें कौन बुझ छुआ 5 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन ये तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट थी ना तो ये मुझे लिखिपरि कि
ताले एटी कोन लिखिमी एस ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन ठीक अछि तन मास ऑफ सॉल्यूशन केते अछि 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट केते अछि एस ग्राम ताले मु वर्तन लिखिबी मास ऑफ सॉल्यूट जहाँ तुम डबल नहीं इंडिकेसन कर भैल्यू अच्छे एक्स ग्राम मन कर से सल्यूट्र मलार मस एम वन मलार मस अफ सल्यूट धर जो केम वन मस अफ सल्यूशन अच्छे के छुआ हंड्रेड डेनसीटी अफ सल्यूशन के छुआ डी वॉल्यूम अफ सल्यूशन केमी पाइबी आमको जना छुआ आम डेनसीटी अफ सल्यूशन सूत्र आसला मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय केता छुआ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दरकार तुम्हें कौन कर छुआ मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय होचु डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन केते आसुरे छुआ 100 ग्राम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन केते अछि छुआ डी ग्राम पर एमएल तर ग्राम ग्राम कटेला तो आंसर आसी गला एमएल तो ऊपर कटिबो 100 बाय डी एमएल अच्छा आमको सब वॉल्यूम कौन कन्वर्ट कर लिटर रे तो लिटर कन्वर्ट कल 1000 होचु कोन करबी छ डिवाइड करबी बा वन बाय 1000 कर दियो एका कथा लिटर तो आंसर के अच्छा 1/10 डी वन बाय 20 लिटर ये हूँ तुम्हारे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ठीक अच्छे मोलार एक सूत्र कौन थी डब्लन बाय एम वन इंटू वन बाय भी डब्लन जगह कौन लिखिबू एक्स एम वन जगह एम वन वन बाय ये कत 1/10 टी आई 10 डी ऊपर उठो तो एक्स बै एम वन इंटू चु 10 इंटू चु टी बस तो आम को जदि मास मास परसेंटेज दिखाई इफ मास मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन ताले आम अति आराम रे बाहर कर पारा हूँ क्या मोलारिटी को बाय यूजिंग दैट एक्सप्रेशन के एक्स इंटू 10 इंटू डेनसीटी डिवाइड बाय एम वन एक्स है मास मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन वैल्यू 10 तो रहा जापरल कि डेरिवेशन आसला डी है डेनसीटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड एम वन है तुम मोलार मास ऑफ सॉल्यूट बास ये फॉर्मूला मन रखीदेव सीधा कम कर तुम धर कह सपोज मन कर गोटे क्वेश्चन देला द डेंसिटी ऑफ हला डेंसिटी ऑफ 49 परसेंटेज मास मास परसेंटेज है 49 परसेंटेज द डेंसिटी ऑफ 49 परसेंट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन हेज तर डेनसीटी देखिए 1.05 ग्राम पर एम एल प्रश्न हूँ से कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलारिटी तुम देख डेनसीटी वैल्यू तो दे ग्राम पर एम एल एक्स वैल्यू तुम दे 49 सॉल्यूट के H2SO4 एम वन वैल्यू तुम्हें पाइव 90 ग्राम आमको एक्स वैल्यू टी जना 49 डी वैल्यू देखा आखि को 1.05 आमर मला मास सॉल्यूट कहीं सल्फ्यूरिक एसिड ना कहीदी मान 90 ताल आमर मलारिटी सूत्र कौन थी छुआ एक्स इंटु डी इंटु 10 डिवाइड बाय कौन थी छुआ मलार मास सॉल्यूट ताले एक्स रे वैल्यू छुआ केते अछि 49 डेंसिटी वैल्यू छुआ केते अछि 1.05
इंटू छ के आस टेन मलामास के छुआ नाइंटी एट तो फोर्टी नाइन नाइंटी एट तो काटला दुई दुई तो दस काटला के आसला पाँच तो आंसर के आसवर छुआ है कि आसगला तुम पाँच पंचा पचीस पाँच नाला हूँ दुई पाँच नौ को शून शून दुई मिसला पाँच नौ पाँच है कि 5.25 एति मोल पर लिटर आसगला 5.25 मोल पर लिटर बहुत बहुत होची सिंपल आंसर। अच्छा अच्छा मन रखी मोलारिटी हूँ तुम जो हूँ टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन जान थे बर्तन देखा आम मोलारिटी मोलारिटी डेंसिटी भितर भी रिलेशन अच्छे रिलेशन बिटवीन देख ये रिलेशन मोलारिटी आर आई टी वाई मोलारिटी छोट एम एंड डेंसिटी आपको रिलेशन अच्छे एक रिलेशन टा हूँ कि वन बाय मोलारिटी डेंसिटी बाय मोलारिटी माइनस मॉलिक्युलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 10^-3 ये रिलेशन हला तो ये रिलेशन को तुम्हें मन रख वन बाय मोलारिटी इक्वल्स विथ डेंसिटी बाय मोलारिटी माइनस एम वन है मॉलिक्युलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 10^-3 आपको आम डेरिवेशन करा कि तो मन रखा ये जो यूज कराई एम वन टा मोलार मास ऑफ सॉल्यूट मोलार मास ऑफ सॉल्यूट रोच ये संपर्क जब आम बाहर करवा ये तुम्हें क्लीयर आसला धर जाए गोटे क्वेश्चन है मन कर द डेंसिटी ऑफ द डेंसिटी ऑफ 0.5 मोलारिटी H2SO4 हैज 1. सपोज 0.5 ग्राम पर एम एल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मलिटी ठीक अच्छे सॉरी सॉरी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलालिटी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलालिटी आमको मोलालिटी दे कैपिटल एम देख दे कैपिटल एम रैल्यू दे 0.5 डेनसीटर भैल्यू दे 1.05 एम वन अफ H2SO4 भैल्यू दे के 98 ग्राम मत मागे छोट एम रैल्यू सीधा रिलेशन पका तो वन बै एम डेनसीटी के 1.05 बै मलाटी भैल्यू के मलाटी भैल्यू तुमको 0.5 सॉरी 0.5 माइनस तुम आसला छुआ माइनस एम वन के 98 इंटू के 10^-3
ये आसला 21 21 है माइनस ये आसला 0 पॉइंट कत आसला छुआ 098 ताले आम देखीद के आमर आसला छुआ 21 माइनस ये छुआ 0.9 सॉरी 0.0 ये 20.902 तो दिस इम्प्लाइज दैट एम रैल्यू तेज के 1/20.902 1/20.902 से विल गेट वैल्यू 0.0478 यस से ये हूँ वैल्यू तो यूनिट कौन आसो मोल पर केजी यूनिट आसीगल छुआ मोल पर केजी ये मोल पर केजी बुझीगला थर तेणु जदि तुमको क्वेश्चन दे क्वेश्चन देख ये हूँ 1/molality डेंसिटी बाय मोलारिटी माइनस ये मॉलिक्युलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 10^-3 है कि तो आमको क्वेश्चन देता कि डेंसिटी ऑफ 0.5 मोलारिटी HBSO4 हैज 1.05 ग्राम पर ML तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हूँ मोलारिटी तेल आमको बड़ एम वैल्यू दे 0.5 डेंसिटी वैल्यू दे 1.05 छोट एम वैल्यू मागिचे एम वन तो धरा पड़े HBSO4 90 ग्राम बाय फॉर्मूला पुट करो बाय कैलकुलेटिंग विल गेट द आंसर तो आम जो पढ़ूल मोलारिटी विषय रे तो बर्तन आम जानगले अच्छा तो या पर अच्छी छुआ तुम कौन ना मोलारिटी डाइल्यूशन लॉ मन कर छुआ ये गोटे कंटेनर टेक एग्जांपल एट कि सॉल्यूशन अच्छे ये सल्यूसन मोलारिटी हूँ एम वन ता वॉल्यूम इंडिकेट कराई भी वन तुम्हें कौन कल डाइल्यूशन माने एडिशन ऑफ वाटर तुम्हें पानी मिसाई दल पानी मिसाला पर बर्तन आला तो चेंज हो गला सल्यूसन बर्तन कौन हो गला चेंज हो गला मोलारिटी भी चेंज एम टू वॉल्यूम भी चेंज हो भी टूटा कौन हो जो इनिशियल वॉल्यूम भी वन था तुम्हें आज पा मिसाई दल ये भी टू का सहित सामान भी वन प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर तो ये जो चारिटा टर्म एम वन ये बिफोर डाइल्यूशन चित्र ये हूँ आफ्टर डाइल्यूशन चित्र तो ये जो चारिटा टर्म एम वन भी वन एम टू भी टू कौन ये चार्टा भितर रिलेशन अच्छे देख पिला देख ये बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन केवे सॉल्यूटर एमाउंट माने मास के नंबर मोल्स परिवर्तन हम ना तुम्हें 100 ग्राम चेनी को लेकिन मनकर दे ग्लास सरबत बनैल दुईटा लोकपाई बर्तन लोक संख्या 4 तुम्हें पा मिसेल भाई 100 ग्राम चेनी तो कन्स्टाट रहा मैंने मास तो कन्स्टाट मान नंबर मोल्स भी कन्स्टाट जब मास कन्स्टाट नंबर मोल्स अल्सो कन्स्टाट क्या मल मास तो कन्स्टाट तेणु कहार तात्पर्य या बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन कौटा चेंज हम ना नंबर ऑफ मोल्स रिमेन कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन कांस्टेंट इन बिफोर डाइल्यूशन इन बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन ये परिवर्तन केबे हुए नाई अच्छा देख छुआ एम वन इक्वल टू तुम्हें लिखिपर एन वन बै भि वन तेने एन वन इक्वल टू कौन हो गला एम वन इंटू भि वन क्या मोलारिटी डेफिनेशन आप भी तुम्हें यूज कर एम टू इक्वल टू एन टू बै भि टू तो एन टू इक्वल टू के छुआ ना एम टू इंटू भि टू जेहेतु नंबर मोल्स कन्स्टाट मान एन वन जहा एन टू से तेल एन वन जारे कौन लिखिपर छुआ एम वन भि वन एन टू जारे कौन लिखिपर एम टू भि टू तेल रिलेसन आसीगला एम वन भि वन इक्वल टू एम टू भि टू
तो एम ओन मोलारीटी बिफोर डाइल्यूशन, भि ओन भल्यूम अफ बिफोर डाइल्यूशन, ये तो होची कहार सिंबल मोलारीटी, ये कहार सिंबल भल्यूम रो, ये एम टू मोलारीटी आफ्टर डाइल्यूशन, ये भि टू भल्यूम अफ आफ्टर डाइल्यूशन। तो भि टू तुम्हें लिखी पार भि ओन प्लस भि एच टू, ये हूँ मन करोर कनसेप्ट। तो आम पाखर ये जो इक्वेशन आसला दैट इक्वेशन यू कैन से मोलारिटी डाइल्यूशन इक्वेशन। मन करा जाओ सपोज 0.5 मोलारिटी इक्वेशन, 100 ml ऑफ 0.5 मोलारिटी इक्वेशन इज डाइल्यूटेड टू 200 ml, तले कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, माने एम टू मांगे 100 ml माने इनिशियल थिला पानी तुम्हें एडिशन कला पर ये इनिशियल वॉल्यूम, ये इनिशियल मोलारिटी, तन तुम अगर भी वन केते थिला 100 ml हला बिफोर डाइल्यूशन लिखि देबा, बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन कंडीशन कौन आफ्टर डाइल्यूशन कंडीशन, बिफोर डाइल्यूशन कौन थिला तुम्हारे भी वन केते थिला 100 ml, तुम्हारे एम वन केते थिला बड़ा एम 0.5, तुम्हारे भि टू के सी 200 डाइल्यूटेड टू पा मिसिक 200 ml से कर दे डाइल्यूटेड टू डाइल्यूटेड बाय कर 300 ही था डाइल्यूटेड टू पा मिसेक 100 ml पा मिसाई तेने के आसला 200 ml, तो सी मागिच एम टू के ठीक अच्छे तेल सूत्र पका दे एम ओन भि ओन इक्वल टू एम टू भि टू, तेल मत एम टू मागिच एम ओन भि ओन बै भि टू, तेल देख ये एम ओन के छुआ 0.5, भि ओन के 100, ये के 200, कैनसल हो गला 0.25, तले एम टू के 0.25। आ गए भल भाव देख ये कैलकुलेशन देख छुआ वॉल्यूम 100 रु 200 दुई गुण ट्वाइस या हाफ टाइम से देखुन ये ट्वाइस हाफ टाइम होगा, ता मैंने मुझे कह कथा हो मोलारिटी आ वॉल्यूम रेसिप्रोकल रिलेटेड, ये जितक टाइम से बढ़ो ये से टाइम खस कमिज देखुन ये ट्वाइस बढ़ी ये हाफ कमी मल्टीप्लाई टू ये डिवाइड कर टू यू विल गेट द सेम आंसर, ये हूँ कनसेप्ट। केते पानी मिसाई मुँ कहली भि टू इज इक्वल टू भि ओन प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, तर दिस इम्प्लाइज दैट वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू कौन हम छुआ भि टू माइनस भि ओन, तो 200 - 100 इक्वल टू 100 ml, 200 हूँ फाइनाल वॉल्यूम पा मिसाला पर कैसे इनिशियल 100 था तो मिसेज के 100 ml पा, ये थिला तुम्हारे हूँ मोलारिटी डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट। तो आम परवर्त वीडियो रे आउ किसी न्यूमेरिकल करवा तो सहित हूँ मोलारिटी मिक्सिंग लॉ पढ़ा, नॉर्मलिटी हूँ कौन पढ़ा, नॉर्मलिटी मोलारिटी भितर कौन रिलेशन पढ़ा, ये सब हूँ। तो आउ गोटे क्लास दिस इज हूँ लास्ट क्लास ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट, तापर आम नुआ चैप्टर पढ़ा। पिला माने वीडियो को बारंबार वाच कर बुझाप चेस्टा कर, जदि किसी असुविधा हो बुझे तुम्हें व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर।